दोस्तों आप देख रहे हैं होंडा सी डी 110 ड्रीम डीलक्स BS6। होंडा सी डी 110 में स्टैंडर्ड और डीलक्स दो वेरिएंट आते हैं 8 कलर ऑप्शन के साथ। ये सी डी 110 ड्रीम डीलक्स का इंपीरियल रेड मेटालिक कलर है। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, माइलेज कितना देती है, इसकी ऑन रोड कीमत कितनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर इसका जो वाइजर है वो आपको ग्लॉसी रेड कलर के साथ मिलता है, जिसके ऊपर आपको होंडा का स्टिकर दिया है। और जैसा कि मैं इसकी की को ऑन कर देता हूँ तो इसकी जो हेडलाइट है वो आपको बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट मिलती है। और यहाँ पर इसकी जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में मिलते हैं। और यहाँ पर आप इसकी जो हेडलाइट है वो आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलैम्प के साथ मिलती है। और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन और इसका जो फ्रंट मडगार्ड है वो भी आपको ग्लॉसी रेड कलर के साथ मिलता है। इसके सस्पेंशन के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर और यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है इस बाइक में। और इसके फ्रंट में आपको 1818 का ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। 18 इंच के यहाँ पर आपको सिल्वर कलर के अलॉय व्हील मिल जाते हैं और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसके फ्रंट में आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो अब बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो इस बाइक में आपको एनालॉग टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है स्पीड और यहाँ पर आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है फ्यूल का मीटर और गियर की न्यूट्रल लाइट, इंजन माल फंक्शन, टर्न सिग्नल और मेन हेडलाइट इंडिकेशन मिल जाती है। और इसकी जो साइड मिरर है वही आपको पुराने वाले मिल जाते हैं, जो आपको SP125 में मिलते हैं। और यहाँ पर आपको पासिंग स्विच और यहाँ पर इंडिकेटर और यहाँ पर आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पर आपको इंजन किल का स्विच मिल जाता है, इसी में आपको सेल्फ का स्विच एडजस्ट किया गया है। अगर इसको साइड प्रोफाइल की तरफ से देखें तो इसका जो लुक है वो थोड़ा सा क्लासिक लगता है। सिल्वर कलर के अलॉय व्हील इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। और इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको होंडा का स्टिकर और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 9.1 लीटर की दी गई है। और इसके बैटरी पैनल पर भी आपको CD110 ड्रीम डीलक्स का और HET BS6 और ESP का लोगो देखने को मिल जाता है। और इसके और सीट काउल के ऊपर भी आपको ग्राफिक्स की स्ट्रिप मिल जाती है रेड कलर और सिल्वर फिनिश के साथ। और इसके रियर में आपको 1818 का ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, 18 इंच के सिल्वर कलर के अलॉय व्हील और यहां पर आपको हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसको आप आसानी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी सीटिंग की बात करें तो इसकी जो सीट क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक स्प्लेंडर की तरह एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है मेटल का क्रोम फिनिश के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 kg की दी गई है, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में होंडा का स्टिकर मिल जाता है। और इसकी जो टेल लाइट है वो आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। ऊपर की साइड में आपको थोड़ी सी कार्बन फिनिश मिल जाती है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलते हैं हेलोजन टाइप के। और नीचे की साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। अब इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ से भी आप इसके लुक को देख सकते हो, सेम स्टिकर और ग्राफिक्स यहाँ भी आपको दूसरी साइड में मिल जाते हैं। और इसके सीट काउल के नीचे की साइड में आपको एक सीट का लॉकर मिल जाता है सीट को ओपन करने के लिए। और यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड मिल जाता है, जो आपको SP125 में मिलता है। और इसका जो चैन सेट कवर है वो आपको फुली कवर्ड मिलता है, जो कि प्लास्टिक और फाइबर का दिया गया है। और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट और यहाँ पर आपको CD110 का स्टिकर दिया गया है। और इस बाइक में आपको जो है 4 गियर मिलते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड और 162 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और यहाँ से आप इसके इंजन को देख सकते हो, इसके ऊपर आपको होंडा की बैजिंग और इस बाइक में आपको एक सिंगल हॉर्न मिल जाता है। तो अब बात करें इसके इंजन और पावर की, तो इसमें दिया है 109.51 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI BS6 इंजन। इसकी मैक्सिमम पावर है 8.79 PS की 7500 RPM पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 9.30 Nm का 5500 RPM पर। इसमें दिया है 4-स्पीड गियर। इसके एडिशनल फीचर्स हैं सीट लेंथ 735 mm, ESP टेक्नोलॉजी, फ्रिक्शन रिडक्शन टेक्नोलॉजी, साइलेंट स्टार्ट विद ACG। इसका कर्व वेट है 112 kg। तो अब चलते हैं इसके इंजन की दूसरी साइड में, तो यहाँ पर आपको स्पार्क प्लग मिल जाता है सिंगल। और यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का लीवर, होंडा की ब्रांडिंग और इंजन ऑयल फिल्टर का कैप। और यहाँ पर आपको ब्रेक पैड और फुटरेस्ट और यहाँ पर आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके कॉर्नर पर देखोगे तो ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 की पहचान मानी जाती है। और यहाँ पर आपको ESP टेक्नोलॉजी मिलती है, जैसा कि आपको हीरो में i3S सिस्टम मिलता है। तो दोस्तों ये है इसका एग्जॉस्ट, यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट की डिज़ाइन को देख सकते हो। इसके ऊपर आपको एक मेटल की लंबी सी क्रोम की प्लेट मिल जाती है, जो कि काफ़ी शानदार लग रही है। तो अब मैं आपको इसके इंजन का और इसके एग्जॉस्ट के साउंड को नोट करा देता हूँ,
तो जैसा कि मैं इसके इंजन को स्टार्ट करता हूँ तो इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट ECG मिल जाता है। जैसा कि इसका जो इंजन है वो काफ़ी साइलेंट दिया गया है और यहाँ से आप इसके इंजन के साउंड को नोट कर सकते हो और यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट के साउंड को भी नोट कर सकते हो। दोस्तों इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी स्टाइलिश डिजाइन का दिया गया है। अब आपको इसके इंजन का और इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं बात करूँ इसके माइलेज की तो जैसा कि ये 110 cc की बाइक है और इस बाइक में आपको अगर आप इकोनॉमी जोन में चलाते हैं तो इसमें आपको 65 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर का आसानी से माइलेज मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करें इसके प्राइस की तो होंडा CD 110 ड्रीम डीलक्स की ऑन रोड कीमत है 79,402 रुपीज़। अगर आप इसको स्टैंडर्ड वेरिएंट में लेते हो तो उसकी ऑन रोड कीमत है 78,300 रुपये। ये ऑन रोड कीमत मैंने आपको बताई है दुगार होंडा जैसोर रोड बांगूर कोलकाता शोरूम की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप अपनी सिटी का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस रिप्लाई करके बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो DevMTR चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।